हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग सेफ एंड साउंड। तो आज की वीडियो में मैं अपना केमिकली एक्सफोलिएशन का जो रूटीन है वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। व्हाट प्रोडक्ट आई यूज़ इन व्हाट सीक्वेंस आई यूज़ दोज प्रोडक्ट्स, सो वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो मैं केमिकली एक्सफोलिएट एक्चुअली रात में करना प्रेफर करती हूँ, दिन में करते हैं। और उसके बाद अगर आप बाहर चले जाते हैं तो केमिकल पील लगाने के बाद में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और फ्रेजाइल हो जाती है। अगर आप सन में जाओगे, वेदर यू हैव यूज्ड अ सनस्क्रीन और नॉट, बट द सन रेज बहुत ज़्यादा हार्श लगती हैं स्किन पर। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं केमिकल पील रात में ही करूँ। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ऑलवेज स्टार्ट्स विद डबल क्लेंजिंग। सो फॉर डबल क्लेंजिंग, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू इन माय प्रीवियस इवनिंग स्किन केयर रूटीन, इज using a micellar water with a reusable pad. So the micellar water that I use is from Simple. ये मैंने already आपके साथ में उस video में भी share किया था। So this is the micellar water that I use. उसके बाद में I use a face wash to cleanse my face. A face wash that I am using currently in my night time skincare routine is from Marbella. ये भी मैंने आपके साथ में पिछले video में share किया था। So once I have cleansed my face with a micellar water and a face wash, then I will use a toner, and the toner that I use in my nighttime skincare routine before my chemical exfoliation from Derma Essentia, this is the one that I'm using. So मैं ये अपने फेस पर स्प्रे कर लेती हूँ एंड आई लेट इट ड्राई। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग अ टोनर बिफोर आई एम यूजिंग अ केमिकल पील, बिकॉज इट इज़ एज रिकमेंडेड बाय द केमिकल पील दैट आई एम यूजिंग। एंड द केमिकल पील दैट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम डॉटिंग की, इट्स अ हाइड्रो पील ग्लो पोशन। इट कंटेन्स 10% AHA एंड 4% BHA। सो ये वाला केमिकल पील मैं यूज़ करती हूँ, और ये उसका आउटर बॉक्स है, अंदर से ये ऐसा दिखता है। आई गेस का भी इफ आई कैन सी ओनली 2 यूजेस आर लेफ्ट। इसकी जो डायरेक्शंस ऑफ यूज़ में लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि यू हैव टू क्लीन योर फेस एंड यू हैव टू यूज़ अ टोनर एंड व्हेन द टोनर गेट्स ड्राइड आउट ऑन योर फेस एंड यू हैव टू यूज दिस पील ऑल ओवर योर फेस। नाउ केमिकल पील यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू, इसका एक पैच टेस्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इट इज नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन, और अगर आपने पूरे स्किन पर लगा लिया तो पूरा फेस रेड हो जाएगा, रैशेज भी आ सकते हैं, फ्रॉम बिकमिंग रेड टू गेटिंग रैशेज, पिम्पल्स, एक्नेस, और चेहरा बहुत खराब हो सकता है। तो अगर वी आर यूजिंग अ केमिकल पील टू ब्रिंग अ ग्लो टू आर फेस, टू एक्सफोलिएट इट सो दैट जो अंदर जो बाहर का डेड स्किन है वो निकल जाए और अंदर का जो फ्रेश स्किन है वो बाहर आए, बट अगर आपने इसको गलत तरीके से यूज़ किया या पैच टेस्ट नहीं किया, और इफ इट डिडंट सूट योर स्किन, देन वो उल्टा ही काम हो जाएगा और वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, आगे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लिया था, तो मेरा फेस पूरा फोरहेड पे, नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था, और वेरी स्केयर्ड कि मेरा फेस मैंने ख़राब कर लिया, मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया। मैंने यूज़ वैसे ही किया था जैसे लिखा था, और मैंने कुछ वीडियोज़ भी फॉलो की थी, उस वीडियोज़ में जैसे उन्होंने बताया था वैसे मैंने ट्राई किया यूज़ करने का, बट आई डोंट नो, समथिंग वेंट रॉन्ग एट दैट टाइम। तो आई थॉट कि शायद मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा इसलिए वो वैसा हुआ था, क्योंकि उसके बाद भी मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया, ऑलमोस्ट फिनिश होने पे ही आया है, तो मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है और आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस, और मुझे काफ़ी इसका एप्लीकेशन भी सही लगता है, आफ्टर इफेक्ट्स भी अच्छे लगते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट टू गो फॉर अ केमिकल पील, देन यू कैन गिव इट अ ट्राई, इट इज़ रियली रिकमेंडेड। नाउ इसको लगाने के लिए जो इसके डायरेक्शंस हैं, इट इज सेड दैट यू हैव टू कीप इट ऑन फॉर 10 मिनट। ज़्यादा रख लेंगे तो ज़्यादा ग्लो हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको 10 मिनट नहीं रखना चाहते तो आप 10 मिनट्स, 8 मिनट, 9 मिनट्स रख लीजिए, 5 मिनट रख लीजिए, बट 10 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा देर ये अपनी स्किन पर रहेगा उतना ज़्यादा ये पील ऑफ कर सकता है स्किन को, तो कर्नल अपनी स्किन को भी हार्म कर सकता है, तो वो नहीं होने देना है। तो जितना रिकमेंडेड है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स अगर नहीं रखना है 10 मिनट्स से कम रखिए, बट 10 मिनट्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना है इस प्रोडक्ट के साथ में। तो नाउ केमिकल पील करने के बाद में फेस ऑब्वियसली थोड़ा सा रेड रेड फील होता है, मेरा फेस तो रेड फील होता है मुझे, बट अभी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल फेस रेड नहीं लग रहा होगा, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। मैंने कल रात को केमिकल पील किया था, और कल रात को जब मैंने केमिकल पील करके हटाया तो हल्का हल्का मुझे रेड लगा था, बट आज सुबह वो एकदम सा शांत हो गया, कुछ नहीं मेरे फेस पर था। द टोनर दैट आई यूज इज रोज वाटर फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये रोज़ वाटर, ऐसा मैं तो अपना पूरा फेस एकदम ड्रेंच कर लेती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है,
तो ये मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ आफ्टर एवरी केमिकल पी। तो इसको यूज़ करने के बाद में, क्योंकि नाइट टाइम चल रहा है, तो मैं अपना एज यूजुअल नाइट टाइम स्किन केयर यूज़ करती हूँ। मैं इसके बाद कोई भी विटामिन सी या कोई भी अदर एक्टिव एसिड्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसके बाद में मैं अपना भी जो मेरा नाइट टाइम का मॉइस्चराइजर है वो मैं यूज़ करती हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग यूजुअली वो मेरा ऐसा दिन होता है जब मुझे हेयर वॉश भी करना होता है। सो इन दी मॉर्निंग आई विल वॉश माय फेस। मॉर्निंग में मैं अपना फेस वॉश यूज़ करने के बाद में हमेशा मास्क लगाना प्रेफर करती हूँ। कोई भी फेस मास्क मैं रात में नहीं लगाती केमिकल एक्सफोलिएशन के बाद में, क्योंकि ऑलरेडी स्किन इज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम। और ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा के और ज़्यादा पाइलअप करके डोंट जस्ट get it overburdened with the stuff that you're putting on your skin। मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद में मैं अपना फेस मास्क लगाती हूँ। तो जो आज मैंने यूज किया है that is a DIY face mask which I made from बंजारास मुल्तानी। तो ये बंजारास का मुल्तानी मिट्टी सैंडल फेस पैक है। इसमें 5 पैकेट्स आते हैं, एक पैकेट आई गेस 5 to 6 टाइम्स, तो बहुत आराम से चल जाता है, उससे ज़्यादा ही चल जाता है। तो ये अभी मेरा लास्ट पैकेट बचा हुआ है और इसमें भी आई थिंक अभी 3 टाइम्स का प्रोडक्ट तो बचा हुआ है। इसको और 3 बार तो कम से कम लगा सकती हूँ फेस पर। तो ये मैंने जो DIY फेस आज मॉर्निंग में लगाया था, प्रिपेयर्ड इट विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल एंड रोज वाटर। तो मैंने थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का ड्राई पाउडर लेके उसमें मैंने ये एलोवेरा जेल मिक्स किया। ये वाला मैंने फेस मास्क में मुल्तानी मिट्टी पाउडर में डालकर थोड़ा सा, और उसमें मैंने रोज वाटर डाला। रोज वाटर मैंने वही कामा आयुर्वेदा का यूज़ किया और उसको मिक्स करके मैंने एक पेस्ट बनाया, अप्लाइड इट ऑल ओवर माय फेस। आई थिंक आफ्टर 20 मिनट्स में वो ड्राई आउट हो जाता है। थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो चलता है, एकदम फुल ड्राई आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्किन पे रहेगा जितना उतना ज़्यादा ही ड्राई आउट करेगा और उतना ज़्यादा स्किन खिंची खिंची लगेगी। तो आफ्टर 20 मिनट्स आई जस्ट वॉश इट ऑफ एंड आई विल डू माय यूजुअल मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। नाउ अगर मैंने कल केमिकली एक्सफोलिएट किया है, तो मैंने कल रात को कोई भी विटामिन सी वाला या कोई भी एक्टिव एसिड्स वाला कोई भी इंग्रेडिएंट अपने फेस पर नहीं लगाया था, ना मैंने आज मॉर्निंग में लगाया, ना ही मैं रात में, आज रात में या आज की इवनिंग स्किन केयर रूटीन में मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो मैं जब भी केमिकली एक्सफोलिएट करती हूँ, आई गिव इट एटलीस्ट 24 आवर्स कि मेरे स्किन पर कुछ भी और ज़्यादा एक्टिव कोई ऐसी चीज़ नहीं जाए जो मेरी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकती है या और ज़्यादा उस पर वर्क करने की कोशिश कर सकती है। आई विल जस्ट लेट द केमिकल पील वर्क ऑन माई स्किन फॉर अ फुल 24 आवर्स। केमिकल पील तो ऑब्वियसली 10 मिनट्स में हट जाता है, बट वही है कि स्किन अभी काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी जेंटल है और सेंसिटिव हो चुकी है, तो उसको और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए स्किन को अब थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, तो उसको फुल 24 आवर्स का रेस्ट मिलता है। जितना ज़रूरी है उतना ही स्किन केयर यूज़ होता है, जो नहीं ज़रूरत है वो अवॉइड कर दीजिए एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। अगर आपको चाहिए तो आप और भी अवॉइड कर सकते हैं, बट मैं 24 आवर्स अपने लिए पर्सनली मैं अवॉइड करती हूँ। दैट्स इट, दैट वाज ऑल देयर फॉर माय केमिकल एक्सफोलिएशन रूटीन। ये एक्चुअली वो वाला रूटीन है जो रात में स्टार्ट होकर सुबह में ख़त्म होता है, और मे बी इसका जो आफ्टर केयर है वो और एक दिन चलता है। So that's how I do my chemical exfoliation. So that's it for this video. I hope you really like it. And if you enjoy it, please do like, share and subscribe to my channel. I will see you very soon in my next. Till then, take good care of yourself. Stay happy, stay safe. Bye.